वेलकम टू द चैनल बेड करिकुलम बात करते हैं पेपर थर्ड में लास्ट टॉपिक की यूनिट टू का जो है ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन एजुकेशन में ऑडियो विजुअल एड्स का क्या रोल है इसके बारे में समझते हैं तो ऑडियो विजुअल एड्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इसे हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के नाम से जानते हैं ऑडियो लिटरली मीन्स हेयरिंग ऑडियो का मतलब ही होता है कि सुनना विजुअल मीन्स विच दैट विच इज फाउंड बाई सींग विजुअल का मतलब जो चीज़ हम देख पा रहे हैं सो ऑल सच एड्स विच हियरिंग एंड विजुअल विच इन देवर टू मेक द नॉलेज क्लियर टू अस थ्रू आवर सेंस आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वह सारे एड्स जिनको हम सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं उन्हें हम जो है ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के नाम से जानते हैं इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बर्डन ऑडियो विजुअल एड्स आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट और इमेजेस विच इनिशिएट और स्टिमुलेट स्टिमुलेट एंड री इन्फोर्स लर्निंग देन कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडियो विजुअल एड्स के तो ये इनहान्स करता है टीचर्स स्किल को टीचर की स्किल को इनहस करता है मेक लर्नर्स एक्टिव इन क्लासरूम लर्नर्स को एक्टिव करता है क्लासरूम में कम्युनिकेट देम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज डेवलप लेसन प्लान लेसन प्लान को डेवलप करता है इंटरेस्ट बिल्डअप करता है टू मेक स्टूडेंट गुड ऑब्जर्वर स्टूडेंट्स को गुड ऑब्जर्वर बनाने में हेल्प करता है डेवलप इजी एंड अंडरस्टेंडेबल लर्निंग मटेरियल, फॉलो चाइल्ड रिलेटेड लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व इंटीमेशन इन ऑब्जेक्टिव्स टू क्रिएट इंटरेस्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स देन क्लासिफिकेशन है ऑडियो विजुअल एड्स का जिसे कैटेगराइज किया गया है ऑडियो मटेरियल में तो ऑडियो मटेरियल में ऑडियो टेप्स कैसेट्स रिकॉर्डर रेडियो आते हैं विजुअल मटेरियल में कैलकुलेटर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आते हैं ऑडियो विजुअल मटेरियल में टीवी, वीडियो टेप सिनेमा फिल्म ये सारे आते हैं तो ऑडियो एड्स में आते हैं रेडियो रेडियो जिसके थ्रू जो जो है एक पुराना ऑडियो एड है सबसे पुराना और एक इसके थ्रू हम एक ही टाइम पे एक ह्यूज पॉपुलेशन में एक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं यूजेस ऑफ रेडियो इन टीचिंग टीचिंग में रेडियो का क्या यूज़ है तो क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन फॉस्टरिंग सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इंटरटेनमेंट वोकेशनल एजुकेशन देन है एडवांटेजेस ऑफ रेडियो रेडियो के क्या एडवांटेजेस हैं तो वेल डिजाइन एजुकेशनल पैकेज होता है प्रोग्राम्स में भी आई एयरड मोर देन वंस without additional development cost simpler and easy to use maintain less expensive as compared to other teaching equipments then had disadvantages of radio radio ke kya disadvantages the radio programs are restricted to the audio dimensions of the knowledge there is no interactive with broadcast programs one of the biggest disadvantages to radio communication technology is limited range of a radio signal. Then a tape recorder. Tape recorder is an audio aid which is a simple portable electronic device to record, reproduce, erase and re-record sound on the magnetic tape. फीचर्स ऑफ रेडियो रेडियो के कुछ फीचर्स बनाए गए हैं ये देन है रिकॉर्ड प्लेयर आ रिकॉर्ड प्लेयर इज़ अ काइंड ऑफ टॉकिंग मशीन विच रिप्रोड्यूस साउंड रिकॉर्डेड ऑन अ डिस्क इसके बाद है रिकॉर्ड डिस्क प्लेयर इसके बाद आते हैं विजुअल एड्स जिनको हम देख के समझते हैं वो विज़ुअल एड्स होते हैं विजुअल एड्स अलाउ चिल्ड्रन द टाइम दे नीड टू प्रोसेस वट दे इन एड्स में आते हैं चार्ट्स के थ्रू जैसे हम दिखा सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू दिखा सकते हैं फ्लैश कार्ड के थ्रू दिखाया जाता है या कोई फिल्म स्ट्रिप के थ्रू हम दिखा रहे हैं या ओ एच पी आता है ओवर प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जा रहा है दिन आते हैं ऑडियो विजुअल एड्स में जिसमें हम सुन के और देख के तब चीज़ें समझते हैं उसे हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं इसमें कंप्यूटर है टीवी है फिल्म्स हैं ये सारी चीज़ें आती हैं तो कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है कम्यर इससे लिया गया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना प्रोग्रामेबल डि मशीन है ये चार्ल्स बेबज इसके ग्रैंडफादर कहे जाते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आते हैं ये चार्ट के थ्रू कंप्यूटर का पूरा सिस्टम इसमें दिखाया गया है हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम टच फील टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस में जैसे इनपुट डिवाइसेस आते हैं इसमें जो है कीबोर्ड इनपुट वे होते हैं जिनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे कीबोर्ड बाउस डिजिटल कैमरा स्कैनर जॉयडेस, जॉयस्टिक, लाइट पेन पॉइंटिंग स्टिक ओ आर डी टच पैड ये सारे हैं उसके बाद जो है सी पी की बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग डिवाइस आर द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन टू विदिन द कम्प्यूटर सिस्टम इसके थ्रू जो है कंपोनेंट्स को प्रोसेस किया जाता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है सी पी यू के थ्री पार्ट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इंटरनल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्स देन आता है आउटपुट यूनिट्स जो सारे डिवाइसेस आउटपुट देते हैं जैसे कि मॉनिटर्स, प्रिंटर्स प्लॉटर्स, मॉडेम, फिर आते हैं कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को स्टोर करती हैं जैसे कि सी डी रोम डेटा कार्ट्रिज, फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क स्मार्ट कार्ड्स ये सारे हैं फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं जो हार्डवेयर के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं जिन्हें हम टच फील नहीं कर सकते देन एडवांटेजेस हैं कुछ कंप्यूटर की तो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कोई डेटा प्रोसेसिंग होती है ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं पेट प्रेजेंटेशन करता है इंफॉर्मेशन के एक्सेस करता है इंटरनेट को कोई कम्युनिकेशन होता है उसके थ्रू फ्यूचर को सेव करता है ये दिन है डिसडवाटेज ऑफ कम्प्यूटर कंप्यूटर की कुछ डिसएडवानटेज़ होती हैं जैसे कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग स्किल्स इसके बाद है टी वी टी वी जो एक ऑडियो विजुल एड्स है इसकी कुछ वैल्यूज़ एजुकेशनल वैल्यूज़ दी गई हैं तो सोशल क्वालिटी देता है एजुकेशन के लिए हाई क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है रिड्यूज इन डिपेंडेंसी ऑन टीचर फ्लैक्सीबिलिटी होती है यूज़ ऑफ बेस्ट एवलेबल टीचर कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होती है इन सर्विस लॉजिकली सिम्पल होता है देन है फिल्म तो फिल्म वे सारी फिल्म जो हमें एक लेसन देती हैं एक जो है Motion pictures, usually terms as films which represent the effective instructional aid calling upon auditory as well view, as well visual senses of the learners. Educational films may be prepared on, on any content material or any aspect of the knowledge, the correct attitude and the behavior. वही सारी फिल्म्स जो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है उनका कोई मीन्स है वो करेक्ट कंटेंट को प्रेजेंट करती हैं जैसे कि फिल्म बनाई गई चंद्रगुप्त मौर्य पर तो वो जो है एक एजुकेशनल फिल्म में आ जाता है इसमें जो है एजुकेशन प्रोवाइड करती है या अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को ये सो so ये था ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में थैंक यू एवरी